फेफड़े या लंग्स हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है और इस समय इनकी देखभाल करना और ज्यादा जरूरी बन गया है। अगर आपको जुकाम या कफ है तो फेफड़ों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने फेफड़ों का ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें तो हम हर संक्रमण से लड़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अपने शरीर की श्वसन क्षमता को कैसे मजबूत कर सकते हैं। व्यायाम श्वसन क्षमता में सुधार कर सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस जैसी एक्टिविटीज लोगों को उनके फेफड़ों की क्षमता में सुधार लाने में मदद कर सकती है और ऑक्सीजन का उपयोग करने की वृद्धि में भी मदद कर सकती है। आप योगा से भी फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा छाती की मांसपेशियों को मजबूत करने और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। धूम्रपान लंग टिश्यूज और वायु मार्ग को नष्ट कर देता है। ये कैंसर और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का एक अहम कारण है। सिगरेट स्मोकिंग और वेपिंग दोनों ही फेफड़ों की सूजन से जुड़े हुए हैं। अगर आप स्मोक करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इसे और ना करें। अगर आप अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें जो आपके फेफड़ों को काम करने में मदद करेंगे। अदरक, लहसुन, ब्रोकली, अखरोट और सेब ऐसी ही कुछ खाने की चीजें हैं जो आपके फेफड़ों के लिए लाभदायक है। लेकिन दूध, बटर, चीज, केला कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में सामान्य से ज्यादा बलगम पैदा कर सकते हैं या बलगम को गाढ़ा कर सकते हैं। पर्याप्त पानी फेफड़ों के लिए उतना ही अहम है जितना कि शरीर के बाकी हिस्सों के लिए। दिन भर फ्लूइड लेके हाइड्रेटेड रहने से फेफड़ों में म्यूकोसल की परत को पतला रखने में मदद मिलती है। ये पतला स्तर फेफड़ों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। तो इन टिप्स को अपनाएं और अपने फेफड़ों के साथ ही खुद को हेल्दी रखें।